मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं, इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 25 की 25 सीट तो आएंगी, लेकिन अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। राजस्थान में मोदी जी को हमेशा 25 सीट देते हैं, 25 सीट रिकॉर्ड मत से अब की बार जाएंगी और पूरे देश में 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में सीट आने वाली है और तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ। कार्यकर्ताओं को क्या जीत का मंत्र दिया सर, थोड़ा सा बताइए किस तरह से। हमारा महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, 24 घंटे काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको सब पता है। कार्यकर्ता पूरी तरह से मुख्य जी के साथ लग रहा है और हमेशा परिणाम देता है, इस बार और अच्छे परिणाम। थैंक यू सर। इस बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, दौरे मुख्यमंत्री के एक बार फिर से शुरू हो गए हैं, लगातार क्लस्टर वाइज बैठकें वो ले रहे हैं। इससे पहले जोधपुर में कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री ने ली और उसके बाद उदयपुर पहुंच चुके हैं। उदयपुर में भी इस तरीके से बैठकों का दौर जारी रहेगा। कुल मिलाकर एक बार फिर से सभी सीटें जीतने के साथ ही साथ जो जीत का मार्जिन है वो बढ़ाना है और इसीलिए हर एक कमी को पूरा करना है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया, वहां से आगे बढ़े, और दूसरी तस्वीर जिनके साथ बैठक मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं को लेकर उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि हर दिन हमारे कार्यकर्ता कार्य में जुटे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जीत का मंत्र मुख्यमंत्री दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के बाद उदयपुर पहुंचे हैं, उदयपुर में भी इसी तरीके से मंथन का दौर, बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। और आपको ये भी बताएंगे क्लस्टर वाइज प्रभारी भी पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की क्लस्टर बैठक में नाराजगी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। श्रीचंद कृपलानी मंच से उतरकर नीचे आए, सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा भी नाराज होकर सामने दीर्घा में आए और ये तस्वीरें किस तरीके से नाराजगी जाहिर की गई उस समय, लेकिन अब किस बात को लेकर ये नाराजगी रही इसे देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक तरफ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं बैठक के लिए तो दूसरी तरफ श्रीचंद कृपलानी मंच से उतरकर नीचे आ गए, नाराजगी के स्वर उनके सुनने को मिले हैं। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा भी नाराज होकर सामने दीर्घा में आ गया। आप देखिए किस तरीके से नाराजगी जाहिर उन्होंने की। रवि शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। रवि, एक तरफ तो मुख्यमंत्री उदयपुर पहुंच गए हैं, बैठक भी लेंगे जाहिर सी बात है, लेकिन जरा इस मामले को समझाएगा, श्रीचंद कृपलानी क्यों नाराज हो गए, सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा भी नाराज होकर सामने दीर्घा में आ गए, क्या हुआ था? बिल्कुल, देखिए दरअसल क्लस्टर बैठक है जिसमें उदयपुर और इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तीनों लोकसभाओं के जो क्लस्टर के जो पदाधिकारी हैं और जिनको बुलाया गया है वो सभी लोग थे। इस दौरान एक बार जब मंच पर जगह नहीं मिली तो श्रीचंद कृपलानी और उसके अलावा सलूम्बर के जो विधायक अमृतलाल मीणा, इन दोनों की नाराजगी देखने को मिली और ये मंच से उतरकर सामने जो जहां पर तमाम और जो पदाधिकारी बैठे थे उनके समक्ष आकर बैठ गए और काफी मान मनोबल के बाद में जब भाजपा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और क्लस्टर के जो क्लस्टर बैठक है इसके जो संयोजक हैं उन लोगों ने जब उन्हें काफी आग्रह किया उसके बाद ये दोनों जो विधायक हैं ये मंच पर जाकर बैठे। तो एक नाराजगी अगर कहें तो यहाँ देखने को मिली। हालांकि इस दौरान सलूम्बर के जो विधायक है अमृतलाल मीणा उन्होंने तो साफ किया कि इस तरीके से जो मंच पर जो बैठक की जो व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी और हालांकि बाद में मान मनोबल के बाद चूंकि पार्टी के अन्य जो पदाधिकारी हैं उन्होंने संगठन की एकजुटता का और संगठन सर्वोपरि होने का जब हवाला दिया तो ये दोनों ही जो विधायक हैं ये सामने जो पदाधिकारियों के पास बैठे थे वहां से उठकर और फिर से जो है मंच पर जा बैठे हैं। और फिलहाल जो क्लस्टर बैठक है ये सुचारू ढंग से चल रही है, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मंच पर है, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो यहाँ पहुंच चुके और कुछ ही देर में चूंकि सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो डबोक एयरपोर्ट से रवाना हो चुके और कुछ ही देर में ओपेरा गार्डन जहाँ पर एक क्लस्टर बैठक रखी गई है तीनों लोकसभा की यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा तमाम जो अन्य पदाधिकारी हैं
और जो पदाधिकारी जिनको कि इस क्लस्टर बैठक में आमंत्रित किया गया है वो सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर में जैसे ही भजन लाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे तो जो चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनका संबोधन होगा और इसके अलावा भजन लाल शर्मा का संबोधन होगा। ये दोनों जो लोग हैं ये पहले क्लस्टर बैठक को संबोधित करेंगे और उसके बाद में जो एक कार्यकारिणी है जिसकी एक बैठक जो है इन लोकसभाओं से जुड़ी हुए जो लोग हैं उनकी कोर कमेटी की बैठक जो है वो भी यहीं पर आयोजित होगी और कुल मिलाकर बड़ी जो बड़ा उत्साह जो है वो यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी हैं उनमें देखने को मिल रहा है और अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल रवि, क्लस्टर वाइज ये बैठकें हैं, जाहिर सी बात है अब तो ये चलती रहेंगी अलग अलग जगह पर क्योंकि अब आगे आने वाले समय में दिग्गजों के दौरे भी होंगे, लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए इस क्लस्टर बैठक की तो क्या इसमें मुख्य रहने वाला है, किस तरीके से जीत का मंत्र मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा सकता है क्योंकि बाकायदा फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए अगर इस क्लस्टर बैठक की बात करें तो देखिए यहाँ पर तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने उदयपुर लोकसभा सीट के लिए और बांसवाड़ा डूंगरपुर जो लोकसभा सीट है वहां पर अपने प्रत्याशी जो है वो तय कर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो ये जो दिग्गज हैं वो चुनावी जीत का मंत्र देंगे कि किस तरीके से केंद्र की जो मोदी सरकार है और राजस्थान की जो भजन लाल सरकार है उन्होंने किस तरीके के कार्य किए हैं, किस तरीके के जनहितकारी कार्य जो है वो किए हैं और उन्हीं कार्यों के दम पर इस बार 400 पार का जो नारा है वो यहाँ पर लगातार देखने को सुनने को मिल रहा है। जब तमाम जो पदाधिकारी हैं, मंचासीन जो पदाधिकारी हैं, जब वो अपना संबोधन शुरू करते हैं उससे पहले भी सबसे पहला नारा यही होता है कि इस बार 400 पार, तो जो 400 पार का लक्ष्य है उसको कैसे हासिल किया जाए। और चूंकि पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें राजस्थान में सभी 25 सीटें जो है वो भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 25 सीटें जीतने का टारगेट नहीं है बल्कि जो जीत का अंतर है उसे बढ़ाना है। 5 लाख वोट का जो अंतर है वो तय करना ये एक बड़ा लक्ष्य जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। सिर्फ जीतना ही लक्ष्य नहीं है बल्कि वोट शेयर जो है उसको बढ़ाना, करीब जैसा कि यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं मंच पर उन्होंने कहा कि इस बार पूरे देश में भाजपा की कोशिश होगी कि वोट शेयर जो वोट का प्रतिशत है वो करीब 35 करोड़ तक उनके पहुंचे और ये अपने आप में एक बड़ा मुकाम होगा। जी, और इसी मुकाम को हासिल करने के लिए क्लस्टर वाइज बैठक हो रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में हर लोकसभा के स्तर पर बैठक होगी। इसके साथ ही जो मंडल स्तर तक पन्ना प्रमुख जो है उनको जो ड्यूटीज दी गई हैं उनकी बैठकें, तो कुल मिलाकर इस तरह की बैठकें करके इस तरह का आयोजन करके एक रणनीति जो है वो तय करना कि इस बार की जो जीत है वो पिछली जीतों के मुकाबले और ज्यादा ऐतिहासिक और ज्यादा जबरदस्त हो, और यही कोशिश जो है भाजपा खेमे की इस बार दिखाई दे रही है। जी रवि, जीत का मार्जिन तो तभी बढ़ेगा जब हर एक बूथ मजबूत होगा, तो हर एक अगर बूथ मजबूत करने की बात की जाए तो क्या रणनीति इसके लिए बनाई गई है? इस बार कितने ऐसे बूथ मानकर पार्टी चल रही है जहां पर चुनौती भी है और वो कमजोरी भी है? बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि राजस्थान की जो भजन लाल सरकार है जो कि करीब 100 दिन में जिसने अपने जो संकल्प थे उन्हें पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक काम किया है। दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार है जिसने अपने पिछले 2 कार्यकाल में किस तरीके से देश में विकास की गंगा बहाई है, विकास की गति को तेज किया है, ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी सरकार ने जो कार्य किए हैं उन सभी कार्यों को, देश की जनता के लिए किए गए कार्यों को, तो इन तमाम पहलुओं को जनता के बीच रखना, और कोशिश यही है कि हर बूथ का जो कार्यकर्ता है वो आम जनता के बीच जाए, जनता के बीच जाकर मोदी सरकार के भजन लाल सरकार के कामों को गिनाए और उन्हें बताए कि किस तरीके से सरकार आम जन के लिए, आम देशवासी के लिए प्रतिबद्ध है, कृत संकल्पित है। तो ये जो तमाम जो कोशिशें हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है राजनीतिक परिवेश में कि किस तरीके से जो वरिष्ठ वरिष्ठ नेता जो हैं वो अपना गुट और अपना दल छोड़कर भाजपा की ओर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है।
और यही आत्मविश्वास और सबसे बड़ा आत्मविश्वास कि मोदी की जो गारंटी है उस गारंटी को जनता के बीच रखना कि किस तरीके से केंद्र की सरकार ने काम किए हैं, विश्वास जो है वो हासिल किया है जनता का, और इसी विश्वास को बनाए रखें और इस बार 400 पार का जो आंकड़ा तय किया है उसे किसी भी सूरत में हासिल करें, और उसके लिए जो भी रणनीति तय करनी है उस रणनीति के लिहाज से काम करना, आम कार्यकर्ता को विश्वास में लेकर, आम कार्यकर्ता को उत्साह में लेकर, उत्साहित करके कि किस तरीके से आम कार्यकर्ता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, संगठन की नींव जो है वो आम कार्यकर्ता है, और इस तरह की जो बैठकें हैं ये जो भी जो पदाधिकारी हैं क्लस्टर वाइज अलग अलग प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं उन्हें उनकी जिम्मेदारियां देना, और जिम्मेदारी के साथ में इस बात को तय करना कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचकर सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में आम जनता को परिचित कराएगा, अवगत कराएगा, और इसका फायदा जो पार्टी के प्रत्याशी जो है उनको चुनाव में देखने को मिलेगा। ठीक है जी रवि, ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।